है कि यहाँ देखिए थोड़ा स्विफ्ट कर देता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी एंगल ए सी डी इक्वल है 90 डिग्री के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रफ स्केच तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखिए रफ स्केच है, जैसे मान लेते हैं, देखिए ये सबसे पहले कैसे हो एक डायग्राम बना, रफ स्केच बना देंगे। सबसे पहले देखिए ए बी सी डी, ए बी कितना है, देखिए ए बी 4 है, ए बी हो गया। उसके बाद ए सी, ए सी डेट मीन्स ये दिया है, ये दिया है 5 दिया है। उसके बाद ए डी, ये दिया है 5.5 दिया है। उसके बाद बी सी कितना दिया है, बी सी नहीं दिया है कुछ। उसके बाद एंगल बी, ये 90 दिया है, और एंगल सी ये भी 90 दिया है, ठीक है। तो देखिए, तो चलते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम स्केल लेते हैं, ए बी कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी 4 है, तो यहाँ से 4 हो गया, ठीक है। तो 4 हो गया अपना, इसको डार्क करते हैं ताकि आपको विजिबल हो, आप ही देख सकें, ठीक है। 4 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ बी पे 90 डिग्री फॉर्म करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे, न कि प्रोटेक्टर का। तो सिंपली जो होता है, देखिए अपने अकॉर्डिंग रेडियस सेट कर दिया, और यहाँ पे जो होता है एक आर्क कट किया, उसके बाद जो होता है, यहाँ समझिएगा, उसके बाद जो ये आर्क जो है यहाँ पे लाइन सेगमेंट पे, ये लाइन सेगमेंट पे ज्वाइन किया, इंटरसेक्ट किया, तो इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो 60 डिग्री, एक और आर्क, इसको सेंटर लेके एक और आर्क कट करेंगे, तो ये कितना हो गया, 120। लेकिन हमें ना 60 चाहिए ना 120, हमें चाहिए 90। तो यहाँ तो 60, और इस 60 का हाफ कर दें 30, तो 60 + 30 कितना हो गया, 90। तो इसका हाफ कर देते हैं, तो देखिए हाफ कर देते हैं, तो इसको दोनों को बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हाफ करने के लिए क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग रेडियस सेटअप करेंगे, और इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, और इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो जहां पे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और बी पॉइंट को मिलाएंगे, तो क्या होगा, यह हमारा जो होता है, परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन मिल गया, लेकिन ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट इस परपेंडिकुलर लाइन पे कहाँ पे होगा, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उसके लिए एक डेटा हमें प्रोवाइड किया गया, वह क्या है, डायगोनल ए सी। देखिए ए सी के साथ ज्वाइंट है, सी के साथ लाइन सेगमेंट ज्वाइन है, तो इस ए सी का वैल्यू दिया है, लेकिन ये भी ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हम इसका ए सी का यूज करेंगे। ए सी कितना है, 5 है, तो यहाँ पे सिंपली जो होता है हम मेजर करेंगे 5, ठीक है। तो देखिए 5 पे आ गया, दिख रहा है ना, देखिए ना आप, देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ए को सेंटर लेंगे, देखिए ए को सेंटर लेके, क्योंकि डायगोनल ए को सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, जहां पे कट करेंगे वह पॉइंट और इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट अपना होगा सी होगा, डेट मीन्स ये सी हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपली हम चाहें तो इसको जो होता है, आप चाहे तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं कि डायगोनल है, और इसको डार्क कर दीजिए। डार्क करने के बाद जो होता है आपका सी मिल गया। अब कौन सा चाहिए हमें, डी चाहिए। तो डी के लिए क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इस सी पे जो होता है, इस सी पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो यहाँ फिर से हम 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कंपास का यूज कर सकते हैं, कंपास का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर वही चीज जो हम पहले किए थे, तो मान लेते हैं इसको छोटा सा कर देते हैं ताकि आपको, यहाँ पे रुक जाइए तो हो जाने दीजिए, ठीक है। देखिए फॉर्म हो गया, सबसे पहले आर कट किया, हमें चाहिए 90 डिग्री, तो आप इस यहाँ पे कट करिएगा और एक और कट कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए 60 + 60 120, लेकिन हमें 90 चाहिए, तो इसको बाइसेक्ट कर देंगे, तो एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसको जो था क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें। सबसे पहले हम पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी 90 डिग्री हो गया, ये अपना 90 डिग्री हो गया, ये अभी अपना 90 डिग्री हो गया। लेकिन बात यह है कि जो डी पॉइंट है इस ए सी लाइन पे कहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम तो रफ स्केच किए हैं, लेकिन ये डी पॉइंट जो है
इस लाइन पे कहां पे, इस परपेंडिकुलर लाइन पे कहां पे होगा, उसके लिए डेटा प्रोवाइड किया गया। वो कौन सा डेटा है, देखिए एसी दिया है, एडी का लेंथ दिया है जो कितना है 5.5। तो ए को सेंटर लेके 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर कट करेंगे तो हमारा डी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो 5.5 यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यह हो गया 5.5। देखिए 5.5 पे है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए को सेंटर लेंगे और ए को सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, तो आर कहीं इधर कट हुआ। ठीक है, देखिए, देखो हमने क्या किया, ए को सेंटर लेके एक आर कट किया तो कहीं इधर कट हुआ, लेकिन ये लाइन छोटा है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, यहां पे कट हुआ, तो ये पॉइंट को मार्क करते हैं, तो यह पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे तो अपन का क्या तैयार हो गया, सी डी पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया, और ये जो है ये अपना मिल गया ए सी डी। ठीक है, तो देखिए ये अपना 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ये कितना दिया, नहीं दिया है, ये डायगोनल दिया था, और ये दिया आपका 5.5 सेंटीमीटर, और ये दिया है 4। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका हेल्प साथ साथ दोस्तों का भी हेल्प हो जाए। अगर